नमस्कार, मैं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। फिरोजाबाद जिले के सुकोहाबाद के एटा रोड स्थित आरडी रिसोर्ट में रोटी बैंक एवं समाज सेवियों द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गरीब एवं असहाय लोगों को 8,000 से लेकर 10,000 तक का कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित करेगा, जिसका 11 दिसंबर को सुबह 11 बजे से कंबल वितरण किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि इस वर्ष 7वां कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 8 दिसंबर गुरुवार से आधार कार्ड की फोटो कॉपी जमा करके रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा। कंबल वितरण की पर्ची काटने का समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चलेगा। प्रेस वार्ता के दौरान रोटी बैंक के संयोजक राजीव गुप्ता, डॉक्टर संजीव आहूजा, हरचरण सिंह चन्नी, प्रिंस जैन, अरविंद जैन, अवधेश गुप्ता, संजीव गुप्ता, वसीम भाई के अलावा नगर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। हर साल की तरह इस बार रोटी बैंक फिर से कंबल बांटने जा रही है, जो कि हमने 11 तारीख फाइनल की है, 11 दिसंबर। और इस बार हमारा लक्ष्य है लगभग 8 से 10 हजार कंबल बांटने का। तो आप लोगों सभी से रिक्वेस्ट यही है कि जितना हो सके जितने असहाय लोग हैं उन सभी तक ये सूचना पहुंचाने का कष्ट करें कि 11 तारीख को यहां पे अपना आगे कंबल कलेक्ट कर लें। साथ ही कल से 8 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं, ताकि आके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं यहां पे ग्रीन पार्क में और 11 तारीख को अपना कंबल। मतलब रजिस्ट्रेशन की किस तरह की फॉर्मेलिटी होगी? रजिस्ट्रेशन में आधार कार्ड लाना अनिवार्य है। बिना आधार कार्ड के रजिस्ट्रेशन कंबल मिलने में थोड़ी दिक्कत होगी। और जिनके पास आधार नहीं है उनको हम आखिरी वाले दिन कोशिश करेंगे कंबल देने की। शहर के प्रसिद्ध समाजसेवी और रोटी बैंक के ट्रस्टी सदस्य इस बार 8,000 से लेकर 10,000 तक कंबल बांटेगी। उसके लिए कल से पर्चियां बनेगी गिन पार के बाहर, हमारा ग्राउंड खुला हुआ है। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में अपनी खबर पहुंचवा दें 11 तारीख समय 11 बजे। और रोटी बैंक के अध्यक्ष श्री अजय कुमार आहूजा जी का विशेष सहयोग इस बार कंबल में है।